लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। प्रदेश में भारी बरसात को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इटावा जनपद की भरथना तहसील क्षेत्र के ग्राम सैफी में अन्नदाता कहे जाने वाले किसान की खेत में फसलों को लगातार हो रहे नुकसान को देखकर परेशान है। आलम यह है कि खेतों में कटने को तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद होती नजर आ रही है। खेतों में लबालब पानी भरा है तथा अनेकों प्रकार की बीमारियां जैसे फफूंदी का आना, दाने का काला पड़ जाना देखकर किसान मायूस है। पीड़ित किसानों का कहना है इस बारिश से लगभग 80% धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। यदि आगे भी ऐसा चलता रहा तो एक दो दिन में पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, जिससे कि किसानों को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा तथा भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। गांव के किसान ओम प्रकाश का 9.5 बीघा धान, राजेंद्र सिंह 25 बीघा, अजीत सिंह 7 बीघा आदि लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बरसात का पानी भरा हुआ है। भरथना रिपोर्टर सूरज कुमार। दादा क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। कहाँ रहते हैं? सैफी साहब। ये धान की फसल पूरी डूबी हुई है, ये कितने बीघे फसल है? ये तो हमसे साहब कुछ 7 बीघा है, उसने खेत साहब कटौती रखे हैं और बटाई रखे हैं, 25 बीघा धान है साहब। ये कितने बीघा है जो पूरी फसल डूबी हुई है? 25 बीघा साहब। 25 बीघे फसल है? हाँ साहब। ये पानी बिल्कुल डूब गई है फसल। हाँ। तो क्या ये बर्बाद हो गई है या अभी ठीक है? बिल्कुल साहब बर्बाद है, तिवारा साहब है ये। तिवारा है? हाँ साहब। धान पके हुए ठड़े हैं साहब, बिल्कुल बर्बाद है साहब। कितना नुकसान हो गया है? अब साहब पूरा ही नुकसान है साहब। अंदाजा कितना लगाया जा सकता है, कितने रुपए का नुकसान होगा? कम से कम ऐसा मान लो करीब करीब 2 लाख रुपए का मान लो, 25 बीघा में साहब 2 लाख रुपए का नुकसान होगा। हाँ साहब। अभी तक आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया इस फसल के बारे में? नहीं साहब, किया है? नहीं कराया? नहीं साहब, हम जानते ही तानते नहीं साहब, इतने पढ़े लिखे नहीं है। लगातार ये 25 बीघा फसल पूरी पानी में डूब गई? बिल्कुल डूबी है साहब। कितने दिन से पानी की बरसात हो रही है? आज 4 तारीख से साहब। 4 तारीख से लगातार पानी बरस? तिवारा वाला साहब 3 बार पानी बरस चुका है। अब पूरी फसल डूब गई? पूरी। पानी, इसका पानी निकालने का कोई साधन नहीं? कोई साफ साधन नहीं है नदी का। हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं? सैफी। फसल में क्या हो गया है और ये किस चीज़ की फसल है? सर इसमें सरसों बोई थी मैंने। सरसों? हाँ, सरसों बोने से फिर ये बारिश हो गई, ये नदी में बाढ़ आ गई, इस तरीके से मेरा ये 2 बीघा ये खेत चला गया पूरा सरसों का, और 1 बीघा उधर है वन के विभाग की तरफ, उधर है मेरा खेत, वो भी चला गया, सारा चला गया। कितने बीघे फसल थी टोटल? टोटल 3 बीघा फसल थी। 3 बीघे फसल थी? हाँ। 3 बीघे फसल में ऐसे ही पानी भरा हुआ है? हाँ, ऐसे ही पानी भरा हुआ है सर। लहा जमा हुआ है? लहा जमा हुआ है और ऐसे ही जैसे इसमें पानी भरा है ऐसे ही सारे मेरे खेतों में भरा हुआ है। वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी को अभी तक कोई सूचना नहीं दी है? सर सूचना कहाँ दे, कोई किसी को नहीं दी अभी मैंने, लेखपाल भी आया नहीं अभी तक। लेखपाल भी देखने के लिए नहीं आया? नहीं नहीं आया सर। इत्तला की थी उसे? ना मैंने इतना नहीं, प्रधान जी से कहा था मैंने। प्रधान जी से कहा? हाँ। प्रधान जी कौन है यहाँ पे? आदाराम सिंह। आते हैं? हाँ वो गांव में आते हैं। उनको आपने बताया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो कल बोले थे कल आएगा, कहीं नेपाल आया था कल, वो घर की निगरानी करके गया, जो घर गिर गए ना उनकी करके गया, अभी खेतों की नहीं की है सर। दादा क्या नाम है आपका? नरेश सिंह। कहाँ रहते हैं? सैफी। ये फसल जो नुकसान हो गई है, कितना नुकसान हो गया है और कौन कौन सी फसलें थी आपके खेत में? हमारे सर धान आते और बाजरा है। धान कितने बीघा था? धान तो 5 बीघा। 5 बीघा धान था, सारा डूब गया है पानी में? सारा बिल्कुल बना है ध्वस्त। कितना नुकसान हो गया है, कितने की फसल होगी, क्या लागत होगी फसल की? अब हमें साहब 5 क्विंटल बीघा करी हुई या तो 25 क्विंटल मान ले। 25 क्विंटल धान हो जाता? 25 क्विंटल धान कितने रुपए का बिक्री हो जाती है बाजार में? ऐसे मान ले 40-45 हज़ार रुपया। 40-45 हज़ार की? ये बाजरा कितने बीघा है? 8 बीघा। 8 बीघा है, सारा बाजरा ऐसे ही लूट गया है? बिल्कुल साहब। इसमें कितना नुकसान हो गया है बाजरे में? बाजरा में सब ही नुकसान है। लगातार ये बारिश कितने दिन से हो रही है? बारिश बहुत दिन से हो रही है। बहुत दिनों से हो रही है? बारिश ने तो बर्बाद ही कर दो किसान बना है। ये जो आपकी धान की फसल में पानी भरा हुआ है, ये कौन सी नहर का आ रहा है? जी अनैया नदी है ये मेरे पास में। अनैया नदी का पानी आ रहा है? जी सर। सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है? हैं? सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है पानी से? हाँ 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 भाव है।